आज भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर फिरोजाबाद नगर आयुक्त घनश्याम मीणा तथा महापौर नूतन राठौर ने जलकल विभाग के प्रांगण में हवन पूजन कर औजार और अस्त्र शस्त्र का पूजन भी किया, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी सृष्टि में प्रथम शिल्पकार थे। इसीलिए उनकी जयंती के मौके पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा के साथ साथ इंजीनियरों के औजारों की भी पूजा की जाती है। इसी के साथ साथ आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर ओझा समाज के लोगों ने भगवान विश्वकर्मा का हवन पूजन किया और अपने ओझा समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। और समाज के लोगों ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा हमारे पूर्वज हैं, इसलिए आज के मौके पर हम सभी समाज के लोग भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार किसी कारणवश यह शोभा यात्रा नहीं निकाल सके। आज यहाँ पर हमने हवन पूजन कर भगवान विश्वकर्मा जी को याद किया है। पूरे विश्व के निर्माणकर्ता परम पूज्य भगवान विश्वकर्मा जी के 17 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पर इस सीओस रिसोर्ट में पूरी समाज के गणमान्य लोगों द्वारा संभ्रांत लोगों द्वारा यहाँ एक पूजन रखा गया है, जिसमें पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मुझे लगता है कि जो इंजीनियर के काम होंगे वहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही होगी। और इसी के निमित्त हमने यहाँ सीएस रोड में ये पूजन किया है। हर वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती थी फिरोजाबाद में बहुत धूमधाम से। इस वर्ष किसी कारणवश शोभा यात्रा नहीं निकल पाई है, इसके लिए हम अपनी समाज से क्षमा याचना मांगते हैं। आगे आने वाले वर्ष में पूरी समाज से निवेदन करते हैं कि हम भगवान विश्वकर्मा जी की भव्य शोभा यात्रा निकालकर पूजन इसी शॉट में किया जाया करेगा, इस बात की भी हम घोषणा करते हैं। और तमाम जो हमारी समाज में कुरीतियाँ हैं, थोड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि समाज के लिए क्या उत्थान की ज़रूरत है, उस पर भी हम अभी विचार गोष्ठी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लोगों को इन चीज़ों का ध्यान दिलाते रहेंगे। सभी समाजें आगे राजनीति क्षेत्र में बहुत बढ़ रही हैं, हमारी समाज का किसी पार्टी में कोई वर्चस्व नहीं है। हम इसके लिए एकजुट होकर सभी समाज हमारा संघर्ष करें और जिन जिन पार्टियों की सरकार है, जहाँ जहाँ सरकार हैं वहाँ हमको स्थान प्राप्त हो। और हम अपनी समाज से ये निवेदन करते हैं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर अपनी पूरी भागीदारी पार्टियों में रखें और जो पार्टी आपको सम्मान दे उस पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है। आज इंजीनियरिंग का कार्य करने वाले सभी उनके अनुयायी, हम लोग भव्य रूप से उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए जगत कल्याण के लिए अपने समाज को राजनीतिक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आज उनका आह्वान कर रहे हैं। उनका हवन और ऐसे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है यहाँ पर, उसी के बारे में हम लोग सभी समाज के सब प्रांत लोग इकट्ठे हुए हैं। एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, राजनीतिक स्तर पर कैसे हिस्सेदारी भागीदारी मिले, हमारे समाज को कैसे राजनीतिक स्तर पर सम्मान मिले, ऐसी मन में भावना रख कर के ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। सभी लोग के विचार आयोजित किए जाएंगे, आमंत्रित किए जाएंगे। आज यहाँ पर जो 17 सितंबर जो विश्वकर्मा आज पूजा का जो आयोजन यहाँ जो किया गया है, वो समाज में एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है कि हम सही मायने में हम विश्वकर्मा के वंशज हैं और विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवता थे जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा और पूरे विश्व ने उनको भगवान, और हम उस विश्वकर्मा की संतान हैं।